तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हम लोग जा रहे हैं औरंगाबाद, और औरंगाबाद का जो रास्ता है वो है सापुतारा का रास्ता। तो मेरे पीछे वो देखो, आप पानी देख रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है वो। अच्छा, तो जा भी सकते ना। तो हम सापुतारा से होते हुए औरंगाबाद जा रहे हैं। 4 बज रहे हैं और हम लोग 10 बजे तक के अराउंड पहुंचने वाले हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ब्रेक लिया है छोटा सा, कुछ चाय वाय पियेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कौन, तूने निकलवा के नहीं लिया? क्यों नहीं देते? नहीं देते हैं। भुट्टा खाया जा रहा है, पहली बार ऐसे खा रहा है भुट्टा। नासिक के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पे वड़ा पाव खाने वाले हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो गाय, मैं अकेला गाड़ी में बैठा हूँ, सब लोग वहाँ बाहर खाना खा रहे हैं। वहाँ देखो, सब लोग खाना खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा है बाहर, मेरे को तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं अकेला बैठा हूँ गाड़ी में, बोर हो रहा हूँ। कलर्स देख रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे होटल साहिबा में आए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी भी हमारे को 1.5 आवर कुछ बाकी है, तो इसलिए अब डिनर करके फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट का। अरे अमान को इतनी ठंडी लग रही है कि मम्मी का दुपट्टा ही उड़ लिया है। अभी हम लोग 106 किलोमीटर और बाकी है, पहुँचते पहुँचते में रात के 11 बज जाएंगे। सब लोग चाय पीने के लिए, चाय पार्टी चल रही है रात में भी। मम्मी को दे दो, मम्मी को दे दो। और हमको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और हम बाहर निकल रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे तो हम लोग आ गए एक्सप्रेस वे मुंबई नागपुर बस। अभी हमारा 57 किलोमीटर और बाकी है। तो फाइनली हम लोग होटल पहुंच गए हैं और 11 बज चुके हैं। तो बस अब हम अपने रूम में जाएंगे और सो जाएंगे। कल सुबह फिर आपसे मिलती हूँ मैं। Hey guys, good morning। और आज हम लोग आ गए हैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए और इसके बाद हम लोग रेडी होके जाएंगे बीबी का मकबरा। तो यह हमारा ब्रेकफास्ट चालू है। कैसे है टिकट? फ्री है। हम लोग आ गए हैं बीबी का मकबरा के इधर और यहाँ पे हम लोगों को कुछ इस तरह के कॉइन्स दिए हैं। यही टिकट्स हैं जो हमें अंदर देनी रहती है एंट्री में। यहाँ पे बैग चेकिंग हो जाती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वाटर बॉटल अलाउड है और बाकी खाने की कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। तो सिर्फ आप पानी का बॉटल लेके आ सकते हैं। टोकन मिसिंग 100 रुपीज़ फाइन। तो हम लोगों ने एक गाइड को ले लिया है ताकि हम लोग को भी ज्यादा जानकारी मिल सके और वीडियो के थ्रू आप लोग भी ज्यादा चीजें अच्छे से जान सके। इसको डेक्कन का ताज भी बोलते हैं। तो बाकी गाइड से हम लोग सब कुछ पता कर लेते हैं। अंदर ये पेंटिंग ओरिजिनल पेंटिंग है, हैंड पेंटिंग है, ये 400 साल पुरानी है। और मकबरा बोलते हैं, मकबरा बोले तो कब्र समाधि, जो कि यहाँ पे अंदर में कब्र है औरंगजेब की पत्नी का है, वाइफ का है। औरंगजेब की पहली पत्नी का जो कब्र है, फर्स्ट वाइफ, जो कि इनका जो नेम था राबिया दुर्रानी और सेकेंड नाम था दिलरत बानो बेगम। ये पहली जो पत्नी थी जो ईरान की। ये ताजमहल का रिप्लिका है लेकिन ये जैसा पूरा मार्बल में नहीं है, खाली 20% मार्बल, 80% पूरा प्लास्टर है। जैसा ओरिजिनल जो ताजमहल है 100% पूरा मार्बल में है। खाली यहाँ पे जो गुमट है डोम है टॉप का है वो पूरा मार्बल का है। खाली जो कब्र जो समाधि मार्बल है बाकी 80% पूरा प्लास्टर में है। ये मकबरा 1651 से 1661 में कंप्लीट किया है। इसको पूरा 10 साल में 10 ईयर्स में जो कंप्लीट किया है। और यहाँ पे पूरा 15,000 वर्क लगा है पर डे। ये औरंगजेब के बेटे ने बनाया था, फर्स्ट सन प्रिंस मोहम्मद आजम शाह। इन्होंने जो तो अपनी माँ की याद में बनाया, मदर के लिए बनाया। ताजमहल जो बना है वो वाइफ के लिए बना है। उसके 30 साल के बाद में ये मिनी ताजमहल जो बना है। पूरा लॉन है 34 एकड़ का है।
ये जितना जो फ्रंट दिख रहा है उतना बैक साइड में है, मकबरा तो 20 सेंटर में। अरे जैसा औरंगाबाद सिटी से 20 फीट हाइट ऊंचाई पे, इसके पीछे देखिए पूरा माउंटेन है, जैसे ताजमहल के पीछे यमुना नदी है। ये जो रेडी स्टोन है ये पूरा जयपुर से लाया गया है, मार्बल है तो मकरानी से लाया गया है। औरंगजेब का डेट हुआ 1707 में, ये बिल्डिंग कंप्लीट किया 1661 में। ये जो डोम के ऊपर जो क्लस है 11 फीट का जो ब्रास का है, पीतल का है, ये जो डोम के देख रहे हैं ताजमहल और इसमें जो फर्क है, ताजमहल काफी बड़ा है, ये छोटा है। ताज का हाइट 210 फीट का है, यहाँ का हाइट 135 फीट, इसलिए इसे दक्कन का मिनी ताज बोलते हैं। अरे औरंगजेब को इनका रहने का जो पैलेस था औरंगाबाद में, यहाँ से 130 किलोमीटर रहते थे अहमदनगर, पर दक्कन से औरंगजेब रूल दिस कैपिटल बना है। औरंगाबाद सिटी में प्रॉवल 52 गेट है। औरंगाबाद सिटी का पहला जो नेम था खड़की, सेकेंड था फतेहपुर, 25 साल औरंगजेब कैपिटल के नाम से औरंगाबाद नाम जाना था। एलोरा और दौलताबाद के बीच में इनके गुरु के बाजू में इनकी कबर है, एकदम 12x12 में इनकी कबर है। औरंगजेब का खुद का जो कबर का कॉस्ट है 14 रुपए 12 आने में बने, तो पब्लिक का पैसा उनके कबर को लेना। अच्छा। औरंगजेब जैसा खुद टोपी बीनते थे, कुरान शरीफ के आयते लिखते थे, जो बेचने के बाद में जो पैसा जो कलेक्शन होता था उतने में उनकी कबर बनी है। अरे यहाँ पे जो ताजमहल जैसा 20 सेंटर में जैसे कुरान की आयते लिखे गए, यहाँ पे कुरान की आयते नहीं लिखे गए, तो एक प्लास्टर यूज किया गया। अरे ये महाराष्ट्र में बना इसलिए यहाँ पे 20% मार्बल यूज किया गया है। आगरे का ताजमहल है उसमें जो डिफरेंस है, ताज का बीच का जो मकबरा सेंटर सर रेंज 8 एंगल जैसे ऑक्टागन में है, यहाँ का जो सेंटर जो मकबरा बीबी का मकबरा है पूरा स्क्वायर में, ताज बड़ा है ये छोटा है, डिफरेंस है चारों मीनार का हाइट ऊंचा है, मेन सेंटर डोम छोटा है। हाँ ये टिल्टेड है 0.2 डिग्री, भविष्य जो मीनार गिरेगा तो अंदर के साइड नहीं गिरेगा, जो गिरेगा बाहर साइड में। एक एक मीनार के अंदर से स्टेप्स है 175 स्टेप्स है। और ये जो ऊपर में जो मस्जिद है दोनों मीनार के बीच में, ये मस्जिद पहले ने था जो बाद में बना है निजाम हैदराबाद ने बना है 18th century में। ओरिजिनल मस्जिद नीचे जो साइड में खर्च लगा है 6,68,203.07 रुपये, टोटली मकबरा 7.25 लाख में। और ताजमहल को खर्च लगा 3 करोड़ रुपये 1631 में। और ये जो पानी का जो सिस्टम है, ये मकबरे के बैक साइड से 7 किलोमीटर से जमीन के अंदर से पूरा नहर बना है, ये मणिकम्बल ने नहर बनाया है। औरंगाबाद सिटी में दो ही नहर, एक पानचक्की का और एक मिनी ताजमहल का है। तो उस समय इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं थे, पानी के फोर्स के ऊपर ये फाउंटेन चलते थे। ये जैसे लोग खड़े हैं कबर के लिए, ये हाइट है 15 फीट, एक कबर जो है 15 फीट नीचे। बीबी का मकबरा, बीबी मीन्स मदर नॉट वाइफ। तो एक शायरी भी हो रही है, गीत गाना चाहता हूँ आवाज नहीं मिलती, ऐसा ताज बनाना चाहता हूँ लेकिन मुमताज नहीं। शायरी क्या कहते है, शायरी में कुछ दम नहीं, ताज तो देखा ही नहीं देखा लेकिन बीबी का मकबरा कुछ। वाह वाह। तो बस अब यहाँ से एक छोटा सा गेट है जो लकड़ी का बना हुआ है, इसके ऊपर ब्रास का काम किया हुआ है। यहाँ से अब हम लोग ऊपर जाएंगे और अंदर में जाकर के मकबरा है तो वो भी देखेंगे। तो हम लोग वहाँ से एंट्री किए हैं और यहाँ पे अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे जो ताजमहल है वहाँ पे ऊपर कुरान की आयतें हैं, यहाँ पे लोगों ने फ्लावर का डिज़ाइन बना रखा है सब। यहाँ से आप अंदर नहीं जा सकते इसलिए यहाँ पे पूरा ताला बना रखा है। तो अंदर चलते हैं और उनका मकबरा दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये बीबी का मकबरा का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्कैनर दे रखा है, तो स्कैन के थ्रू भी आप सारी इन्फॉर्मेशन इस मकबरे के बारे में ले सकते हैं। और मकबरा ही सिर्फ मार्बल में है, यहाँ तक देखिए ये पूरा मार्बल है, उसके ऊपर का जो है वो पूरा प्लास्टर है, और मार्बल अच्छे से है। और ये रहा मस्जिद जहाँ पे एंट्री प्रोहिबिटेड है। और ये जो मस्जिद बनाई गई है ये दो मीनारों के बीच में बनाई गई है, ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद की बनाई गई है मस्जिद। और अभी आगे चलते हैं, ऐसे ही आपको पूरा ये व्यू दिखा देती हूँ। ये पीछे भी एक गार्डन बनाया है, मुगल गार्डन जैसा है ये पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा एरिया ये सारा प्रोहिबिटेड है। हमारा ये
पूरा घूम के हो चुका है, अब हम एक बार शाम में भी आएंगे तो शाम में यहाँ पे पूरा लाइटिंग करके इसको दिखाते हैं, तो रात में आपको दिखाना बनता ही था इसलिए वापस से हम आए। कितना मस्त दिख रहा है ना रात में ये सारी लाइट्स, इसका साइज ताजमहल जैसा लग रहा है ना अभी। हाँ तो यहाँ पे ऐसी लाइट है, तो इधर तो नॉर्मल ही लाइट है, बाहर से ही ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तो गाइज ये हम लोगों ने घूमा बीबी का मकबरा, और नाइट व्यू भी हमने दिखा दिया आपको, ये कितना सुंदर दिख रहा है देखिए, वेरी ब्यूटीफुल। भैया की दुकान से औरंगाबाद में आना, तो बिरयानी जरूर खा लेना। आ गई गरम गरम औरंगाबाद की कुल्फी चाहिए। तो आई होप आपको गाइज ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो इसे बहुत सारा लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए। यूँ जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।